मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कॉन्ग का घर होता है। कॉन्ग अब साइज में पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया है और वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग की दोस्त होती है और कॉन्ग को बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी और कॉन्ग उसके साथ खेलता था, ना ही उसकी कोई बात टालता था, लेकिन वो बच्ची ना तो बोल सकती थी ना सुन सकती थी। अब हम कॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला देखते हैं जो एक ट्री को निकाल कर उसे आसमान की तरफ फेंकता है जिसकी वजह से एनर्जी वॉल टूट जाती है। अब यहाँ हमें पता लगता है कि कॉन्ग को उस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडज़िला वहाँ ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं तो ये एक दूसरे के करीब ना आ जाए। अब कॉन्ग का साइज़ बड़ा होने की वजह से ये डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। देन हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कंपनी के लिए काम करता था, वो एक हैकर भी है। जिस कंपनी में वो काम करता था उसे उस कंपनी पर शक होता है और वो कंपनी बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी जो कि मशीन्स और रोबोट वगैरह बनाती थी। देन वो हैकर उस कंपनी के फाइल्स में घुसता है क्योंकि वो कुछ गलत बना रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। देन वो कंपनी के सर्वर को हैक करता है, तभी उसे पता लगता है कि कंपनी किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकॉन्ग शिफ्ट कर रही है। तभी वहाँ अलार्म बजता है और ये अलार्म गॉडज़िला के आने का था। देन गॉडज़िला समंदर से बाहर आता है और सब कुछ तबाह करने लग जाता है, सबको मारने लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो तो ऐसा टाइटन है जो इंसानों को बचाता है। देन हम देखते हैं गॉडज़िला के पास एक पावर है जो कि न्यूक्लियर पावर है। गॉडज़िला पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद दुनिया में खबर फैल जाती है कि गॉडज़िला वापस आ गया है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। देन कंपनी का ओनर बोलता है कि हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो गॉडज़िला को काबू कर सकती है, और ये न्यूज़ एक लड़की देखती है, इसका नाम मेडिसन होता है। वो कहती है कि सब झूठ है, गॉडज़िला कभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उसको बहुत अच्छी तरह जानती है। देन मेडिसन उस हैकर की ऑडियो सुनती है जो उसने अपलोड की थी। देन वो सब पता करने के लिए उस हैकर के पास जाने का फैसला करती है। देन कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन से मिलता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है। वो उससे बोलता है कि जो आपका होलो अर्थ वाला कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल ठीक था, यही वो जगह है जहाँ सारे टाइटन्स पैदा होते हैं, और उन्होंने उस पर एक पूरी बुक लिखी थी। देन कंपनी का ओनर एक और आदमी से मिलवाता है और बताता है कि हमें होलो अर्थ के अंदर एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ दिया है, लेकिन ये तो किसी को भी नहीं पता कि होलो अर्थ एग्जिस्ट क्या करती है। लेकिन जिस तरह हम लोग सन से एनर्जी लेते हैं उसी तरह ये सारे टाइटन्स होलो अर्थ से एनर्जी लेते हैं, और अगर हमने वो एनर्जी ढूंढ ली तो हम गॉडज़िला का मुकाबला भी कर सकते हैं। तभी डॉक्टर बोलता है कि हम होलो अर्थ में जाएंगे कैसे क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो है। ऑनर बोलता है कि हमारे पास एक एंटी ग्रेविटी कार है, हम उसकी मदद से जाएंगे। देन डॉक्टर नेथन अपनी एक डॉक्टर दोस्त से भी मिलता है जो कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। नेथन उससे बोलता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर होलो अर्थ में भेजना चाहिए, हम इसे ज़्यादा वक्त यहाँ नहीं रख सकते। देन काफ़ी बहस के बाद नेथन उसे मना लेता है। देन ये लोग पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को शिप के थ्रू ले जाने लगते हैं। देन वो छोटी बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे चेन से बांधा हुआ था। तभी आर्मी लीडर बोलता है कि हम दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडज़िला को पता ना लग सके। देन हम मेडिसन को देखते हैं जो हैकर से मिलने जाती है। हैकर उसे पूरी बात बता देता है, लेकिन गॉडज़िला को ये बात पसंद नहीं आई, तभी उसने पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। देन शिप में अलार्म बजने लगता है और गॉडज़िला समंदर से बाहर आता है और एक शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये लोग उस पर मिसाइल मारते हैं लेकिन वो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ये लोग कॉन्ग की चेन्स खो देते हैं। देन कॉन्ग और गॉडज़िला में एक ग्रेट वॉर होती है। कॉन्ग और गॉडज़िला आपस में बहुत लड़ते हैं। देन ये दोनों समंदर में गिर जाते हैं और अंदर लड़ रहे होते हैं, लेकिन गॉडज़िला तो समंदर में सांस ले सकता था लेकिन कॉन्ग को सांस लेने में मसला हो रहा था और कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। देन ये लोग समंदर में मिसाइल मारते हैं। तभी नेथन सारी लाइट्स ऑफ करवा देता है ताकि ऐसा लगे कि हम सब मर चुके हैं। देन गॉडज़िला वापस समंदर में चला जाता है। फिर ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि अब हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये देखने के लिए कि ये लोग क्या बना रहे हैं। देन इन्हें वहाँ पर बड़े साइज के अंडे मिलते हैं। तभी उस जगह के सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं क्योंकि वो जगह एक मशीन थी जो उन्हें अंडों के साथ हांगकॉन्ग लेकर जा रही थी, वो भी बहुत स्पीड में। दूसरी तरफ ये लोग कॉन्ग को हेलीकॉप्टर की मदद से होलो अर्थ में ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और उस बच्ची की मदद से वो लोग कॉन्ग को उस केव में भेज देते हैं, और ये लोग अपनी एंटी ग्रेविटी कार्स की मदद से कॉन्ग का पीछा करते हैं। होलो अर्थ बिल्कुल अलग ही दुनिया थी और उसमें अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स थे, और एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी कार पर अटैक करता है लेकिन कॉन्ग उसे मार देता है। देन दूसरी तरफ मेडिसन हांगकॉन्ग पहुँच जाती है और वहाँ हमें दूसरा मेगाज़िला का पता लगता है जिसे इन्होंने गॉडज़िला को हराने के लिए बनाया था, जिसे वो आदमी कंट्रोल कर रहा होता है जिसे ऑनर ने नेथन से मिलवाया था। देन ये लोग मेगाज़िला की पावर को चेक करने के लिए एक स्कल क्रॉलर को वहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन मेगाज़िला उसे मार देता है, और मेगाज़िला को चलाने के लिए इन्हें और ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में है, और यही वजह थी जो ऑनर उस पावर को होलो अर्थ में ढूंढ रहा था।
ताकि वो मेगाजिला को चला सके। देन हम लोग देखते हैं कि मेगाजिला एक्टिवेट हो चुका है। तभी गॉडजिला उसे महसूस करता है और हांगकांग की तरफ पड़ने लगता है। अब हम देखते हैं कि हॉलो अर्थ बहुत ही खूबसूरत जगह थी और वो सारी एनर्जी एक पहाड़ में होती है जिसकी तरफ कॉन्ग बढ़ रहा था। कॉन्ग उस पहाड़ का डोर ओपन करता है तो उसे वहाँ एक एक्स मिलती है जिसको गॉडजिला को हराने के लिए बनाया गया था। देन वो उसे लेकर अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करने लगता है। फिर गॉडजिला हांगकांग पहुँच जाता है। उसे ये भी पता लग जाता है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है। देन गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर ज़मीन में मारता है जो सीधी कॉन्ग के पास पहुंचती है। वहाँ पर फीमेल ऑनर उस पावर का सैंपल लेने के बाद उसे कंपनी में भेजती है ताकि मेगाजिला को एक्टिवेट कर सके। देन तभी कॉन्ग उसी गड़े में कूदता है और गॉडजिला के पास पहुंच जाता है। दोनों बहुत लड़ते हैं। कॉन्ग की एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है। देन गॉडजिला कॉन्ग को बहुत मारता है लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उसका मुकाबला करता है। लेकिन गॉडजिला ज़्यादा पावरफुल होता है इसलिए वो कॉन्ग को ज़ख्मी करके वहाँ से चला जाता है। देन हम देखते हैं कि मेगाजिला एक्टिवेट हो चुका है और वो कंपनी के ओनर को भी मार देता है। देन वो बाहर आता है तो गॉडजिला और मेगाजिला की बहुत बड़ी फाइट होती है। मेगाजिला काफ़ी पावरफुल होता है इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नज़र आ रहा था। मेडिसन हैकिंग के थ्रू मेगाजिला की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ सब कुछ लॉक था। देन दूसरी तरफ कॉन्ग ऑलमोस्ट मरने ही वाला था तो ये लोग कॉन्ग को एंटी ग्रेविटी कार्ड से इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं जिससे कॉन्ग खड़ा हो जाता है। और वो छोटी बच्ची कॉन्ग से बोलती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, तुम जाकर गॉडजिला की मदद करो। देन कॉन्ग गॉडजिला की मदद करता है लेकिन मेगाजिला बहुत पावरफुल होता है और वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी कॉन्ग को उसकी एक्स दिखती है लेकिन वो चार्ज नहीं होती। देन मेडिसन उस मशीन पर पानी डाल देती है जिसकी वजह से मेगाजिला कमज़ोर हो जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग की एक्स चार्ज करता है और कॉन्ग मेगाजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। देन कॉन्ग और गॉडजिला आमने सामने होते हैं लेकिन कॉन्ग ने गॉडजिला की मदद की थी तो वो उससे नहीं लड़ता और वापस समंदर की गहराइयों में चला जाता है। देन कॉन्ग को भी हॉलो अर्थ में पहुंचा दिया जाता है और ये मूवी इसी के साथ साथ यहाँ एंड हो जाती है।